जय गौ माता की, जय भारत माता की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं दुआ करता हूं माँ भगवती से कि उसकी असीम कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। और आज का हमारा विषय रहेगा दोस्तों प्रसाद को लेकर। एक पार्ट हमारा इस वीडियो का पहले देख चुके हैं, तो दूसरा पहले पार्ट में क्या था कि एक ही प्रसाद को अक्सर हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कि हम प्रसाद को कैसे भगवान को अर्पण करें। तो यदि आप पूरी जानकारी देखना चाहते हैं, तो यदि आप इस समय पर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्योतिष साधना केंद्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और यदि फेसबुक पर हैं, तब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यह पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य लोगों तक भी वीडियो को शेयर करके इस जानकारी को पहुंचा सकते हैं और हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि कुछ त्रुटियों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा केवल एक ही विषय है कि हम इन सब त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करें और अपने ज्ञान को, स्वयं का भी ज्ञान बढ़ाएं और आप लोगों का भी बढ़ाएं। आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। विषय क्या है कि हम भगवान को जो सामग्री अर्पण करते हैं उसे कैसे करें। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग जो है शिवलिंग के ऊपर खासकर ये चीज हमें देखने को मिलती है कि खाने की वस्तुएं भी जो सिर के ऊपरी हिस्से पर रखी जाती, जो शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा होता है उसके ऊपर रखी जाती हैं, और फल फ्रूट मिष्ठान कोई भी ऐसी चीज है जो भगवान को अर्पण करनी है, ज्यादातर जो लोग हैं शिवलिंग के सिर पर रखते हैं। और अन्य मंदिरों में भी मंगलवार के दिन ये चीज हमें हनुमान जी के मंदिर में देखने को मिलती है कि मुंह में जबरदस्ती प्रसाद को डाला जाता है। माँ भगवती के मंदिर में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद हमारा एक प्रयास है कि इन सब चीजों को हम बदलें और एक परिवर्तन की नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो आइए चर्चा करते हैं कि हम कैसे अर्पण करें, अर्पण करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। जो सिर होता है शिवलिंग का वो केवल फूल पत्तियों के लिए होता है कि वहां पर आप फूल और पत्तियां भगवान को अर्पण कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय पर भगवान ने विष का हलाहल किया था, तो उस विष की गर्मी से जो है भगवान शंकर भी परेशान थे और देवताओं की तरफ से एक प्रयास था कि भगवान शंकर को जो है ठंडी चीजें भेंट की जाएं। तो उसी तरीके से उन पर बेल और पत्तियों से उनका स्वागत भी किया गया, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रकृति को बचाया था। तो उस समय उनके स्वागत के लिए फूलों को उनके सिर पर भेंट किया गया, फूल पत्तियों को। लेकिन खाने की वस्तुएं ऐसे भेंट देवता नहीं करते थे जैसे तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मंदिर की सुंदरता को भी बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम वहां पर लड्डुओं को या मिष्ठान को उनके सिर पर रखते हैं तो पानी डलता है, मक्खियां आती हैं, तो उससे जो है वहां की जो व्यवस्था है वो संतुलित नहीं रहती है। मक्खियों के आने से गंदगी भी फैलती है और सुंदरता खराब होती है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इन सब चीजों को बदलने का प्रयास करें। कोई भी वस्तु है यदि आप भगवान को अर्पण करना चाहते हैं तो वे भाइयों आप लोग भाव से करिए ना। यदि आपके सिर पर कोई खाने की वस्तु रखी जाए और आपसे बोला जाए कि आप इसको ग्रहण करिएगा, क्या आप खाएंगे? और यदि आप किसी अपने अतिथि को, किसी मेहमान को खाने की वस्तु उसके सिर पर रखकर आप उससे बोलते हैं कि आप उसे ग्रहण करिएगा, क्या वो ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। तो इससे रिश्तेदार भी नाराज होगा, आप भी नाराज होंगे। तो सोच लीजिए फिर भगवान आपसे कितने नाराज होते होंगे। क्या आप उनको कोई खाने की वस्तु भेंट कर रहे हो और वो आप उनके सिर पर रखकर आप उनसे बोल रहे हैं कि आप इसे ग्रहण करें, तो सुंदरता कितनी बढ़ जाएगी यदि उसी सामग्री को आप किसी डोने में या किसी पात्र में रखकर भगवान से मन भाव से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यहां पर सामग्री की आवश्यकता भगवान को नहीं है, पूरे संसार को खिलाने वाला है वो, तो आप उसको कैसे खिला सकते हैं? आपकी केवल प्रार्थना की आवश्यकता है। आप जल्दबाजी में ना प्रार्थना कर पाते हैं और सामग्री को भी आप भगवान को गलत तरीके से अर्पण करते हैं। तो यही कारण रहता है कि बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, अपने दुखों से छुटकारा नहीं ले पाते हैं।
सामग्री को किसी डोने में पात्र में रख के भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मंत्रोच्चारण उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, कि प्रभु मेरे पास केवल मेरे प्राण हैं और वो भी देखूं तो वो भी आप ही की देन है, तो इस सामग्री से ज्यादा मैं अपने प्राणों को आपको अर्पण करता हूं। तो मेरे मालिक आप इसे ग्रहण करिएगा और मुझ पर और मेरे इस संसार पर प्रसन्न रहिएगा, सदा सबका भला करिएगा। यदि आप इस भाव से प्रार्थना करते हैं और इस भाव से, तो यदि आप एक चावल का दाना ही भगवान को अर्पण कर देते हैं तो प्रभु उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भागवत गीता में भी आप सुन सकते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मुझे ये 56 प्रकार के इस तरह की सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, जो आप सामग्री इस तरीके से अर्पण करते हैं, पानी गिरता है वो किसी के खाने के योग्य भी नहीं बचती है। आप देख लीजिए शिव मंदिर में, खासकर सोमवार के दिन जो मिष्ठान चढ़ाया जाता है, क्या वो किसी के खाने के योग्य बचता है? नहीं बचता है वो। और भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि जो पहले भगवान को अर्पण हो फिर किसी जरूरतमंद को अर्पण हो। तो किसी पात्र में रखकर ही भगवान को कोई चीज भेंट करिएगा। ऐसे ही प्रसाद को बिखेर कर या डालकर मक्खियों के भिनभिनाट से उस सुंदरता को खराब मत करिएगा। यदि आपके घर में आकर कोई आपके घर की सुंदरता को बिगाड़ने का प्रयास करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। हमें अच्छा नहीं लगेगा तो फिर भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है, हम उससे हैं, उसने हमें बनाया। जब हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमारे बनाने वाले को कैसे अच्छा लग सकता है? ऐसे ही आप सभी मूर्तियों के साथ करें, जितनी भी मूर्तियां मंदिर में हैं सभी के सामने अपने भाव से, आत्मा से प्रार्थना करें। मन विभोर होकर तन मन धन से आप भगवान को, और भगवान का उनको आप अपना पिता मानकर आप उनके सामने अपनी बात रखिएगा तो कोई नियम कोई विधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि भक्त बनकर जाएंगे तो विधि विधान भी देखना पड़ेगा। और इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फिर भी लड्डू ऐसे ही चढ़ाएं कि आपने पिता मान लिया है, क्योंकि ऐसे तो भोजन आपके पिता भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो नियमों के साथ आप अपने खुद के नियम बनाइए तो भगवान का नियम तो बहुत जल्दी आपके लिए अच्छा बन जाएगा। आपका एक प्रयास आपको भी बदलेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी बदलेगा और अन्य लोगों को हमारे धर्म का मजाक बनाने का अवसर नहीं बनेगा मिलेगा। क्योंकि आज हम ज्यादातर जो देखते हैं मजाक का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हमारी जो मंदिरों की सुंदरता हमने खुद खराब की हुई है। तो इसमें परिवर्तन करने का प्रयास करिएगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने धर्म को सुंदर बनाएं, जो सुंदरता को खराब किया है उसको दोबारा से लेके आने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आगे भी हमारी जो भी जानकारियां परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, गुरुजनों के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, वो हम आप सब लोगों के बीच में लेके आएंगे। बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप कोई अच्छी जानकारी रखते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएं, तो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी है ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय गौ माता की, जय भारत माता की।